जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में हमारा अगला वीडियो है। इसके पहले के बहुत सारे जो वीडियो हैं वो जरूर देखें। हिंदी साहित्य नेट एग्जाम वाले, पीजीटी एग्जाम वाले, टेट एग्जाम वाले, यूपीएससी एग्जाम वाले सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण है। ये पूरी सीरीज है जो 1000 प्रश्नों की, बहुत ही उपयोगी। अगर आपने पूरे के पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज देख ली तो निश्चित ही आपका हिंदी साहित्य में बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन। ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। निम्नलिखित में कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? तो ग्रामांचल का चितेरा कौन सा नहीं है? शिव प्रसाद सिंह, मारकंडे, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। चार विकल्प में से एक का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 71, कौन सा कहानीकार है जो ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों उपेंद्रनाथ अस्क, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? तो कौन सा कहानी आंदोलन है जो फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरियों का अनुकरण है? प्रश्न क्रमांक 372 का आंसर सचेतन कहानी, नई कहानी, समानांतर या फिर आ कहानी। प्रश्न क्रमांक 372 का उत्तर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आ कहानी, यानी कि जो द नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक बताना है अमरकांत, निर्मल वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर यशपाल। प्रश्न क्रमांक 373 का आंसर फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक बताना है, तो लेखक कौन हो जाएंगे? उत्तर हो जाएगा आपका यशपाल। यशपाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी का लेखक बताना है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन या फिर मन्नू भंडारी। प्रश्न क्रमांक 374 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लंदन की एक रात एक कहानी के लेखक बताना है, और लेखक है निर्मल वर्मा, यानी कि जो ए नंबर है आ नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो किस कहानीकार ने किया है? यशपाल ने, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अज्ञे ने। 375 का आंसर बताना है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है, और 375 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका दा, यानी कि अज्ञे। ठीक है, अज्ञे आपका सही होगा। अगला है, मन्नू भंडारी किस कहानी में नौकरी करती, परिवार के लिए मरती, खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? तो किस कहानी में उकेरा गया है? एक खाने आकाश नाई, अकेली या यही सच है या ऊंचाई। 376 का आंसर बताना है, और राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 376 का एक खाने आकाश नाई, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें नौकरी करती, परिवार के लिए मरती, खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है। ठीक है, अगला है, दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? ठीक है, तो 377 का उत्तर बताना है, त्रास में, अमृतसर आ गया है, पटरियां या फिर चीप की दावत में। तो 377 का आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर आ गया है, यानी कि जो बा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। ठीक है, अगला है, इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? बेचन शर्मा उग्र की बताना है मछुआ, मोटेराम जी शास्त्री, ऐसी होली खेलो लाल या फिर दो बांके। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी इसमें से कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 378 और तो कहानी बेचन शर्मा उग्र की होली खेलने के लिए बेचैन है, तो बेचन शर्मा उग्र ऐसी होली खेलो लाल, सा नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? 379 का उत्तर बताना है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो किसकी है प्लेग की चुड़ैल? प्रश्न क्रमांक 379
और 389 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भगवान दीन, यानी कि जो बी नंबर है वो सही होगा भगवान दीन। ठीक है, इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? महेंद्र भल्ला की कहानी बताना है एक पति के नोट्स, घंटा, गीत का चुंबन या फिर बदबू। तो इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? 380 का आंसर बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एक पति के नोट्स। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की कहानी है। पेपर बेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर, मंजुल भगत, मृदुला सिन्हा या फिर चित्रा मुद्गल। पेपर बेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की हैं? प्रश्न क्रमांक 381। तो पेपर बेट और फ्राक वाला घोड़ा ये कहानियां हैं गिरिराज किशोर, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक बताना है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या भीष्म साहनी। प्रश्न क्रमांक 382 का उत्तर बताना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? तो वो कौन है? प्रेमचंद जी, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक बताना है तो धनंजय, उपेन्द्रनाथ दस्क, मार्कंडे या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो प्रश्न क्रमांक है 383 और 383 का आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? धनंजय, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? एक अद्भुत अपूर्व सपन, राजा भोज का सपना, भिक्षु राज या फिर सालवती। तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 384 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राजा भोज का सपना, बा नंबर आपका सही हो जाएगा राजा भोज का सपना। ठीक है, अगला है दुखवा में कांसो कहूं मोरी सजनी कहानी किसने लिखी है? किसने लिखी है? 385 का आंसर दुखवा में कांसो कहूं मोरी सजनी, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर शिव प्रसाद से हैं। 385 का आंसर बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री, यानी कि जो सा नंबर है वो सही होगा चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, अगला है दोस्तों, इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? प्रेमचंद पूर्व लेखिका बताना है बंग महिला, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा या फिर मंजुल भगत। तो 386 का आंसर बताएंगे सभी लोग, इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? तो वो है बंग महिला। बंग महिला यानी कि जो विकल्प नंबर आ है बंग महिला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जार्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? जार्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक बताना है कमल जोशी, कमलेश्वर, काशीनाथ सेन या फिर रामदास मिश्र। तो 387 का आंसर यहाँ पर लिखना है, कमेंट में लिखें जार्ज पंचम की नाक, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर होगा कमलेश्वर, वा नंबर। ठीक है, अगला है जिंदगी और जौक कहानी का लेखक कौन है? जिंदगी और जौक कहानी का लेखक बताना है शेखर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत या फिर मार्कंडेय। तो 388 का उत्तर होगा जिंदगी और जौक, है ना, ये है शेखर जोशी की। किसकी है? शेखर जोशी, यानी कि 388 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आ। ठीक है, अगला है विपत्का कहानी किस लेखक की है? विपत्का 389 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विपत्का जो कहानी है ये अज्ञेय की है। ठीक है, अज्ञेय। अगला है दोस्तों, बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुक्तिबोध। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक बताना है प्रश्न क्रमांक 390 और उत्तर आपका बिल्कुल सही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों निर्मल वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर सही होगा। हार की जीत कहानी किसकी है? 391 का उत्तर बताना है। हार की जीत ये जो कहानी है इसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे? सुदर्शन, यानी कि जो दा नंबर है वो सुदर्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? बोध कथा, कथानिका, रम्य रचना या फिर आख्यायिका। 392 का उत्तर यहाँ पर बताना है कि आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए कथा क्या नाम दिया है, तब आपका
बिल्कुल सही आंसर होगा आख्यायिका, यानी कि जो दा नंबर है वो आख्यायिका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहज कहानी अभियान किसने छोड़ा, किसने छेड़ा सहज कहानी अभियान? भवानी प्रसाद मिश्र ने, अमृत राय, कमलेश्वर और जयशंकर प्रसाद। तो सहज कहानी अभियान बताना है प्रश्न क्रमांक 393, और 393 का आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा अमृत राय, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं है? तो कौन सा कहानीकार नहीं है, प्रश्न क्रमांक 394। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, समानांतर कहानी का प्रमुख वक्ता नहीं है तो वो नहीं है कामता नाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है आपका, वी नंबर सही हो जाएगा, कामता नाथ। ठीक है, वी नंबर प्रश्न क्रमांक 94 का सॉरी दोस्तों 20 में साहनी नहीं है, दा नंबर होगा इसका सही, है ना। समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं पूछा गया है तो 20 में साइनी नहीं है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? आख्यायिका, कथानिका, वृतांत या फिर कथ्य? तो किसकी नहीं की जाती, प्रश्न क्रमांक 95। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, कथ्य। कथ्य यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर सही होगा, कथ्य। अगला है, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता, भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मटियानी या फिर अज्ञेय? 396 का आंसर बताना है। तो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता, तो वो नहीं किया जाता अज्ञेय जी को, डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? तो कौन सा नाम दिया जा सकता है, नूतन कहानी, समकालीन कहानी, यथार्थवादी कहानी या 20वीं शताब्दी की कहानी? तो प्रश्न क्रमांक 397, और राइट आंसर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों समकालीन कहानी, बी नंबर। ठीक है, अगला है, नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर या फिर शरदचंद्र चट्टोपाध्याय? नमक का दरोगा कहानी का लेखक बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है, प्रेमचंद, वी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, इसमें इनमें से चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? चतुरसेन शास्त्री की कहानी बताना है, शरणदाता, ताई, सालवती या फिर अम्बपालिका? चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 399, उत्तर होगा दोस्तों अम्बपालिका, दा नंबर। ठीक है, अम्बपालिका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो प्रश्न है वो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? 400वां प्रश्न है, जल्दी से बताना है हिंदी का पहला जो उपन्यास है वो कौन सा है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? निस्सहाय हिंदू, भागवती, धूर्त रसिकलाल या फिर कुसुम लता? 401 का उत्तर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी नंबर, भागवती। ठीक है, अगला देखो, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? सामाजिक, तिलिज्मी, जासूसी या फिर रोमानी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तिलिज्मी, यानी कि जो बी नंबर है वो तिलिज्मी सही होगा, चंद्रकांता। ठीक है, बागवती उपन्यास किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट, शिवप्रसाद सितारे हिंद, श्रद्धाराम फुल्लौरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? बागवती उपन्यास किसकी कृति है? तो ये कृति है दोस्तों किसकी, श्रद्धाराम फुल्लौरी, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो सा नंबर सही होगा। ठीक है, अगला है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह या फिर ब्रजनंदन सहाय? 404 का आंसर बताना है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं जगमोहन सिंह, 2 नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है?
405 का उत्तर हमें बताना परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु सभी को पता है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री या लज्जाराम शर्मा। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट है निस्सहाय हिंदू उपन्यास का लेखक कौन है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास का लेखक बताना श्रद्धाराम फुल्लोरी, राधाकृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी या जगमोहन सिंह। तो प्रश्न क्रमांक है 407 और उत्तर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास, वा नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है। अद्भुत लाश बताना किस तरह का है, तिलिज्मी है, जासूसी है, रोमानी है या फिर सामाजिक है। तो अद्भुत लाश ये जासूसी उपन्यास, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही होगा, बी नंबर। ठीक है, अधकिला पुल किस प्रकार का उपन्यास है, तिलिज्मी, जासूसी, सामाजिक या ऐतिहासिक। अधकिला पुल तो आपका 409 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए है सामाजिक। ठीक है, सा नंबर। अगला दोस्तों माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, ब्रजनंदन सहाय या फिर मन्नन द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 410 और 410 का उत्तर आपका हो जाएगा क्या, एक किशोरीलाल गोस्वामी का है माधवी माधव का मदन मोहिनी। ठीक है, अगला है ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास का लेखक कौन है। प्रश्न क्रमांक 411 ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है। 411 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। ठीक है, दा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक बताना है बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 412 का उत्तर बताना है और बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास के लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी नंबर दा नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला है कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा, राधाकृष्ण दास ने, ब्रजनंदन सहाय, देवकी नंदन खत्री या किशोरीलाल गोस्वामी ने। तो 413 का बिल्कुल सही आंसर होगा देवकी नंदन खत्री। ठीक है, सा नंबर। अगला है इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 414 और पत्रात्मक शैली में जो लिखा गया उपन्यास है वो उपन्यास है दोस्तों चंद हसीनों के खतूत। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, फेसबुक पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम में बता सकते हो, टेलीग्राम में बता सकते हो। फेसबुक से जुड़ने के लिए सर्च करना है सुमित जैन। ठीक है, और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए 9098609291 ये नंबर है, तो व्हाट्सएप पे से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने साथियों तक। रोज 9 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो पूरे के पूरा अध्ययन आप जरूर करें, UGC नेट, PGT, TGT वाले। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।